हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ब्यूटी एंड हेल्दी में। आज हम चर्चा करेंगे स्नान गर्म पानी से करें या ठंडे पानी से। आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे जैसे दिन गर्म हो जाते हैं आप ठंडे पानी की तरफ झुकते जाते हैं कूल रहने के लिए। आमतौर पर स्नान का पानी भी गर्म हो जाता है। गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कर बहुत ताज़ा हो जाते हैं। इसी तरह सर्दियों में गर्म पानी से स्नान काफ़ी आरामदायक लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में आपके लिए एक क्या अच्छा है? आयुर्वेद के अनुसार आपके शरीर को स्नान के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सिर के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि जब आप स्पष्ट रूप से गर्म पानी और ठंडे पानी के बीच चयन करना चाहते हैं तो कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति की आयु, संविधान, आदतें, रोग यदि कोई हो, मौसम आदि। आइए इसे थोड़ा और गहराई से देखें। युवा बच्चों और बुजुर्ग लोगों को गर्म पानी के स्नान से अधिक लाभ मिलेगा। किशोरावस्था के लोग ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। जिन छात्रों को सतर्क रहने और उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उसके लिए ठंडा पानी का स्नान आदर्श है। आयुर्वेद के अनुसार तीन प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि आपके शरीर का प्रकार पित्त प्रधान है तो आपको ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। दूसरी ओर यदि आपके शरीर का प्रकार वात या कफ प्रधान है तो आपके लिए गर्म पानी बहुत अच्छा होता है। आपकी आदतें भी पानी का तापमान प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप सुबह सुबह स्नान करना पसंद करते हैं तो ठंडा पानी के स्नान की सलाह दी जाती है। हालांकि अगर आप शाम को स्नान करना पसंद करते हैं तो गर्म पानी का स्नान करें। जैसे शाम को वात दोष का प्रभुत्व होता है, इसलिए यह आदर्श है। इसी तरह यदि आप अपने स्नान से पहले व्यायाम करते हैं तो आपको गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। यदि आपका शरीर पित्त प्रधान है और पित्त दोष के असंतुलन के कारण बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसे रोगों में अपच और यकृत विकार शामिल हैं। यदि आप वात या कफ दोष की असंतुलन से पीड़ित हैं तो गर्म पानी से स्नान करें। वात दोष की असंतुलन के कारण रोगों में गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर के दर्द शामिल हैं। कफ दोष की असंतुलन के कारण श्वसन रोग और एलर्जी शामिल हैं। कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक भी गर्म और ठंडे स्नान के बीच बारी बारी से सलाह देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए जो या तो बहुत गर्म या बहुत ठंडा है, क्योंकि वास्तव में गर्म पानी से स्नान करने से त्वचा के पीएच स्तर में परेशानी हो सकता है, जबकि बहुत ठंडा पानी से स्नान करने से आपको ठंड लग सकता है या ठंड से जुड़ी समस्या होने का डर रहता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और सेहत से भरपूर जानकारी के साथ।